अब इबादत का क्या मकसद है? इबादत का मकसद है कलब को साफ करना और नफ्स को पाक करना। जब कलब साफ हो जाता है तो इसकी रब से रसाई हो जाती है। और वो नफ्स को पाक कैसे करना है? ये तुम्हारे अंदर एक नफ्स है, ये एक शैतान की औलाद है, इसकी शक्ल कुत्तों की तरह है, इसकी शक्ल कुत्तों की तरह है। जब वो अल्लाह का जिक्र अंदर जाता है, कलम में जाता है, फिर पांचों लताएं अल्लाह ला करने शुरू कर देते हैं, नस नस में अल्लाह ला जाती है, फिर वो जो कुत्ता है उसके इर्द गिर्द भी अल्लाह ला होना शुरू हो जाती है, वो जो नफ्स है उसके इर्द गिर्द अल्लाह ला होना शुरू हो जाती है, उसकी जो गजा है वो नार है जो हवा के जरिए और खुराक के जरिए अंदर जाती है, वो जो नार अंदर जाती है अल्लाह अल्लाह की गर्मी से जल जाती है। जब अल्लाह अल्लाह की गर्मी से जल जाती है तो उस तक खुराक नहीं पहुंचती, फिर इमसाया जो लता है उनको बोलता है वो कुछ खुराक दो, वो उसको नूर का लुकमा देते हैं, वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नूर का लुकमा हासिल करता है। दूसरे दिन फिर मांगता है, भूख तो रोज लगती है, फिर वो कहते हैं अब तू कलमा पढ़, कलमे का नूर तेरी गजा बन जाएगी। बेहालत मजबूरी वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, वो जो अंदर कुत्ता है। अब कलमे के नूर से वो काला कुत्ता था, फिर वो सफेद कुत्ता हो जाता है, फिर कलमे के नूर से कलमा पढ़ता रहता सिर्फ जिंदा रहने के लिए, फिर उसकी शक्ल बैल की तरह हो जाती है, फिर वो कलमा पढ़ता रहता है फिर उसकी शक्ल बकरी की तरह हो जाती है, फिर वो कलमा पढ़ता रहता है फिर उसकी शक्ल उसी इंसान की तरह हो जाती है। उस वक्त उसको पकड़कर हुजूर पाक की महफिल में ले जाते हैं, हुजूर पाक और हाजिरीन अशश को उठते हैं कि आफरीन है इसके ऊपर और इसके मुर्शिद के ऊपर, उस कुत्ते को इंसान बना के महफिल में ले आया। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। इबादत का मकसद ये है कि कलब के जरिए रब से रसाई करे और उसके जरिए हुजूर पाक की महफिल में पहुंचे, ये इबादत का मकसद है। और जो लोग ये मकसद हासिल नहीं कर सकते वो तो फिरकों में मुब्तला हो जाती है। अब चूंकि हमारा मकसद यही है तुम्हारे दिलों में अल्लाह हबीब की मोहब्बत, लेकिन जब हम यहां से उठेंगे तो कुछ लोग उनकी भी बड़ी बड़ी दौड़ियां होंगी, जुब्बे होंगे, वो इस मोहब्बत को निकालने की कोशिश करेंगे। हम तुमको ये नहीं कहते कि तुम हमारा जिक्र करो, हम कहते हैं अल्लाह उसके हबीब का जिक्र करो। वो वसवसों के जरिए इस ज़कूरियत से हटाने की कोशिश करेंगे, फिर जो लोग वसवसों से जिक्र को हटाने की कोशिश करें उस वक्त कुल औज़ बरब नास से पढ़ लेना कि ये वसवसे कौन डालते हैं। या खन्नास जिन या उनकी तरह के जो लोग होते हैं। इस वजह से जो लोग जिक्र लेना चाहें जरूरी है जो सवाल उनके दिल में हो पहले पूछ लें, दिल की सफाई कर लें, उसके बाद जिक्र ले दें, इंशाअल्लाह उनके दिल अल्लाह अल्लाह करेंगे।